बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बात की जानकारी से जहां राजद खेमे में खुशी है, वहीं विपक्ष के नेता भी उनकी तबीयत में सुधार की खबर से खुश हैं। एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार की हालत उनकी ऐसी हो गई थी कि हम लोगों को लग रहा था कि वो हम लोगों के बीच रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लालू प्रसाद यादव का उपयोग राजनीति के लिए ना करें, ये उनके पुत्रों और पुत्रियों से मित्रत्व भाव से कहना चाहता हूं कि अपने पिता की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनके साथ कोई राजनीतिक समीकरण साधने और सधवाने की चेष्टा ना करें। डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही बेड रेस्ट की सलाह दी है, उनके स्वास्थ्य को साधने की चिंता करें। तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य की चिंता कर भी रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वहीं जीवेश मिश्रा ने लालू प्रसाद यादव के स्वस्थ होकर लौटने के बाद राजनीतिक समीकरण पर कहा कि अब वे राजनीतिक समीकरण को क्या बदलेंगे, हम तो आग्रह करेंगे कि वे अब स्वास्थ्य लाभ लें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, स्वास्थ्य के समीकरण की चिंता करें, राजनीतिक समीकरण की चिंता ना करें तो बेहतर होगा। मैं तो उनके बच्चों को भी सुझाव देना चाहूँगा कि जिस माता पिता ने इतनी खूबसूरत दुनिया उन्हें दी है, उस माता पिता की सेवा में लगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पटना स्थित सरकारी आवास में गिर गए थे, जिस वजह से उनके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। बिहार में पहले उनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला, उसके बावजूद उनकी तबीयत पर उतार चढ़ाव जारी था, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली स्थित एम्स शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है, जिसके बाद उन्हें एम्स से छुट्टी मिल गई है। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। कठोरतम सजा उसको होनी चाहिए। तो खैर, लालू जी एम्स से छूट गए तो भगवान उनको दीर्घायु करे, उनको स्वस्थ रखे, उनको मस्त रखे, हमको यही कहेंगे। अब उनको आप सभी लोग मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करिए। इस बार की हालत उनकी ऐसी हो गई थी कि शायद ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के बीच रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हम लोग को विरोधी, उनके विरोध में रहते रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जिस नाते हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन तमाम भी फिर भी उनके स्वास्थ्य की चिंता मैं भी कर रहा था कि जल्दी स्वस्थ होकर के घर आवे। अब राजनीतिक समीकरण वो क्या बदलेंगे, हम तो आग्रह करेंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि स्वास्थ्य लाभ लें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, स्वास्थ्य के समीकरण की चिंता करें, राजनीति समीकरण की चिंता वो ना करें तो बेहतर होगा। और उनके बच्चों को भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जिस माता पिता ने इतनी खूबसूरत दुनिया उनको दी है, जहाँ उनको लाने का काम किया है इस धरती पर, उस माता पिता की सेवा में लगे, उनका उपयोग राजनीति के लिए न करें। ये उनके पुत्रों से, उनके घर में जो उनकी पुत्रियां हैं, सब लोगों से मैं मित्रवत भाव से ये कहना चाहता हूं कि अपने पिता की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनके साथ कोई राजनीतिक समीकरण साधने और साधवाने की चेष्टा नहीं करें, उनके स्वास्थ्य को साधने की चिंता करें। और तेजस्वी जी चिंता कर भी रहे थे, मैं उनको धन्यवाद भी दे